तो फिलहाल हम आए हुए हैं जी यहाँ चर्च पे, देख सकते हैं उधर बाइक लगी हुई है, तो बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ से भी वैसा ही व्यू मिल जाएगा आपको। तो कमेंट आ रहा था कि रुद्र पूजा भी वहाँ क्यों अलग अलग है, क्या हो गया है? भाई गोवा पहुँचे हैं और दोनों अलग अलग है, क्या बात है भाई? क्योंकि पिछले राइड हो गई थी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही है जी गोवा की एक नई सुबह से। हाँ जी, तो हम लोग जो है अब यहाँ से जो है चेकआउट करने वाले हैं। अभी एयरपोर्ट के बगल में एक होटल है, वहीं पर हम लोग स्टे किए हुए थे। और यहाँ से जो हम लोग जाने वाले हैं पणजी। पणजी में जो है हमारा 3 दिन का स्टे है और 3 दिन वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि साथ में बच्चा है तो थोड़ा आराम आराम से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा खासा दिन का ट्रिप लिया है हमने, और ऐसे अगर हम अकेले आए तो शायद यहाँ का किसी भी जगह का जो है लगभग 4-5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपका ट्रिप जो है आराम से ख़त्म हो सकता है। लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा स्टे लिया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का, तो आराम आराम से हम लोग घूमेंगे। 1 hour later हमारी गोवा ट्रिप की जी शुरुआत हो चुकी है और हम लोगों ने जो है घूमना सभी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि पहले सोचा कि हम लोग थोड़ा अच्छे से घूम ले, थोड़ा सा आइडिया ले ले, और उसके बाद जो है हम लोग सब कुछ वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को भी जो है कुछ हम समझा पाए क्या चीज़ है। तो फिलहाल हम आए हुए हैं जी यहाँ चर्च पे, तो देख सकते हैं और चर्च के पास यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठने में। बहुत सारा फोटो सब भी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हम लोग चर्च ही देखे थे आकर। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ करके जी। और हम लोग फिलहाल अभी रुके हुए हैं पणजी सिटी में, और बीच सब तो अभी तक नहीं घूमा है हमने, लेकिन पणजी, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब पणजी से हम लोग गए थे मड़गांव, तो बीच में जो है बीच सब आ रहा था बहुत सारा। वैसे बीच का ही एरिया है जी गोवा, बीच की क्या बात करना। और बीच में जो है कुछ ब्रिज सब आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज सब था, तो उसका फोटो सब हमने लिया था, यहाँ आपको दिख जाएगा वो सब। और फिलहाल हमारा क्रियांश दिख रहे हैं, तो क्रियांश हमारा फिलहाल जो है यहाँ पर सोया हुआ है। अच्छा है कि अभी थोड़ा देर सो गया है। हम लिए हुए हैं जी बाइक, तो बाइक से घूमने में बहुत मजा आ रहा है जी। मुझे फोर व्हीलर से अच्छा लगता है, टू व्हीलर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात है, फोर व्हीलर से ज्यादा था टू व्हीलर है। इसका खास बात क्या रहता है कि जी बाइक से छोटा छोटा गली होता है ना, उसमें हम भी निकल लेते हैं। बिल्कुल, पार्क का टेंशन होता है अगर गाड़ी रहता तो। देख सकते हैं उधर बाइक लगी हुई है, तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और इसके बाद फिर अपना चलेंगे रूम पर और थोड़ा आराम करेंगे और क्रियांश के दूध का भी इंतजाम कर लेंगे। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 11:15 और इस समय देख सकते हैं रुद्र पूजा सब भी आ चुके हैं, और साथ में हमारा क्रियांश जो है दोनों खेल रहा है। जब से दोनों मिले हैं एकदम उधम मचाए हुए हैं। कुछ कुछ देर में जो इन लोगों का लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो लड़ाई झगड़ा छुड़ाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं जी, बच्चे हैं और एकदम पूरा चहल पहल हो गया है। अब लग रहा है कि माहौल एकदम फैमिली जैसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग गोवा में, लग रहा है कि अपने घर में हैं अभी हम लोग। हाँ, हमको खिलौना दे रहा है ये देखिए। तो सोचा कि जहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं वो उसका जो है आपको एक टूर भी करा दे। यहाँ जो बुक किया है जी, हमने किया है एयरबीएनबी से, एकदम 2 रूम का फ्लैट है, तो आपको दिखाते हैं। तो दीदी आपको यहाँ से गाइड करेगी कि यहाँ पर क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले आ गए एंट्रेंस में, यहाँ से एंट्री है, और जैसे एंट्री किया हमने, यहाँ पर है किचन, ठीक है, बंद है अभी फिलहाल, और यहाँ पर शू स्टैंड दिया हुआ है। तो जी यहाँ से चल रही है दिया लेकर के अंदर, तो अंदर जैसे आए तो हॉल है, और हॉल में देख सकते हैं इन दोनों बच्चों को एक ही खिलौने के लिए दोनों की लड़ाई होती रहती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया। और हाँ, यहाँ एक फ्रिज है और साथ में यहाँ पर एक जो है डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, और डाइनिंग हॉल में देख सकते हैं टेबल सब भी प्रॉपर एकदम है। तो अच्छा जैसा जी 2 BHK आपको मिला हुआ है। एक खास बात क्या है कि हर रूम से जो है आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं एक बार, चलो दिया दिखा दो। तो कुछ ऐसा है, यह रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ पर हमने लिया, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा चीप कॉस्ट में यह मिल गया है। तो आप लोगों के लिए एक टिप भी हो गया, जब भी रूम ले तो थोड़ा सा जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर लोग सब आते जाते रहते हैं उसे थोड़ा हट के ले, तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, शिवांश यहाँ दूध पी रहा है। अच्छा, बिल्डिंग बचा हुआ है इसका अभी, और ना क्रियांश आकर जो इसका बिल्डिंग गिरा देता है। हाँ, वाह। और रुद्र भाई का देख सकते हैं एकदम गोवा के लुक में आ गए हैं बिल्कुल। खाली एक तो हैट बाकी रह गया है, चश्मा गोगल लाए हैट नहीं लाए, ठीक है। वाह वाह, चलो ये देख सकते हैं इन लोग का बदमाशी। उसके बाद चलते हैं अंदर, और एक वॉशरूम इधर है, एक वॉशरूम उधर भी है, दिखा दो। बिल्कुल, और इसमें जी प्रॉपर आपको गीजर मिला हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं टैंक है, पता नहीं इसका क्या पर्पस होता है, हमको ध्यान नहीं, जिनको भी पता होता है होता हो पता नहीं। तो यहाँ पर एक रूम है, और रूम में देख सकते हैं जी आपको प्रॉपर टीवी मिला हुआ है, और इसमें जो है आप अपना टीवी सब भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी व्यू बड़ा शानदार है, देख सकते हैं व्यू।
यहाँ जो है रुद्र और पूजा जी रहेंगे और इसमें एसी भी लगा हुआ है और यहाँ का तो लाइटिंग का व्यवस्था है, ये देख सकते हैं रूम का बहुत ही शानदार लाइटिंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने देख लिया और इसके बाद जो है यहाँ पर ग्लास सब भी दिया हुआ था लेकिन ग्लास को हमने जो हटा दिया है क्योंकि क्रियांश जो है देख सकते हैं ग्लास वहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि क्रियांश और शिवान से बचा के रखना है और डस्टबिन सब दिया हुआ है हर जगह यहाँ पर कोने कोने में, तो ये अच्छी बात लगी। के बाद है ये हम लोगों का रूम है, आपको मालूम चल गया होगा यूज किया हुआ है यार, अभी कुछ देर पहले मैं अपना काम भी कर रहा था यहाँ पर। और ये देखिए जी ये रहा अपना एक मिरर भी दिया हुआ है और ये रहे हम आ गए हम भी वीडियो में और इसके बाद जो है आपको दिखाते हैं यहाँ भी सबको उसी रूम जैसा है सब कुछ और यहाँ से भी वैसा ही व्यू मिल जाएगा आपको, उधर से कुछ अच्छा व्यू मिलता है और इधर भी ठीक ही है। नहीं ठीक है सेम ही है दोनों साइड। तो देख लिया जी आपने, आपको दिखा दिया हमने रूम। तो जी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो देख सकते हैं और रुद्र भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोचा कि थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया जाए। और जैसे ही वीडियो डालना स्टार्ट किए थे तो कमेंट आ रहा था कि रुद्र पूजा भी वहाँ क्यों अलग अलग है, क्या हो गया? थोड़ा सोच ले कि इसमें कंट्रोवर्सी भी हो गया होगा थोड़ा सा, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बात हो गया है। कोई बात हो गया होगा भाई, गोवा पहुंचे हैं और दोनों अलग अलग है, क्या बात है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और ये बात है जो कंट्रोवर्सी की बात हुई तो सोचा कि एक बार कंट्रोवर्सी कर ही लिया जाए, अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा, आराम से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे फिर बाद में सलाह कर लेंगे। तो यही हो रहा है आजकल दिन, तो ऐसा बात है। तो हम लोग जो अभी यहाँ तक जो घूमे भी नहीं है, गोवा का कुछ कुछ लोकेशन है तो गोवा का लोकेशन सब अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। रुद्र भाई जो है अपना एक दो जगह घूम चुके हैं, क्या है आइसक्रीम, वाह पूरा भर भर के एकदम तैयारी कर गया है, बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट हम लोग जा करके कर लिए थे लेकिन सबका काला पड़ रहा था, सनस्क्रीन लगा के चलना हो रहा है। तो ऐसा है जी, और गोवा में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप लोग भी कमेंट करके हम लोगों को सजेशन दीजिए। हम लोग रुके हुए हैं जी पंजीम जो सिटी है वहाँ पर रुके हुए हैं, तो पंजीम में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और साउथ गोवा का भी आप लोग जरूर बताइएगा कि साउथ गोवा में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे। और हम लोगों का स्टे जो है यहाँ अच्छा खासा दिन है एकदम, बिल्कुल टाइम है हमारा, बिल्कुल टाइम है हम लोगों के बाद क्रिसमस सब हम लोग यहाँ मना करके ही जाएंगे। और हम लोगों के साथ में बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं घूमे और घूमे भी तो थोड़ा सेफ्टी के साथ घूमे ताकि दिक्कत ना हो कुछ भी। तो ऐसा है, और बाकी आप लोग में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आप लोग बच्चे के साथ कैसे ट्रेवल करते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए, बच्चे का कैसे केयर करते हैं, तो उसके देखा नहीं कभी, बच्चे का केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, हम लोग को साथ में लेके चलना होता है क्योंकि बच्चे को घर पे छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल छोटा बेबी है, हाँ। पढ़ने लिखने लगेगा तो इसको छोड़ के हम लोग निकल भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं, बट हाँ मुश्किल होता है, बट आपको संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और जो इसका अरेंजमेंट करते हैं किस किस तरीके से, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ही ले जाएंगे इसके ऊपर ताकि आप लोगों को जो है इसका कुछ आइडिया हो जाए। और अब ऐसा करते हैं जी ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और जब गोवा घूमना स्टार्ट करेंगे बाकी का सारा सीन आपको दिखाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।